और जयपुर से बड़ी खबर है, पिछली सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों की समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में बैठक है। 7 विभागों के एजेंडों को लेकर विचार हो रहा है। इनमें शिक्षा से जुड़े हैं ज्यादा मामले। मंत्री जोगाराम पटेल, डॉक्टर मंजू बाघमार, रोहित गोदारा बैठक में शामिल हैं। प्रमुख सचिव टी रविकांत, हेमंत गेरा, वित्त सचिव राजस्व के पाठक सहित अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद है। और ये जो बैठक होनी थी वो शुरू हो चुकी है। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। दरअसल 7 विभागों के एजेंडे हैं। 7 विभागों के एजेंडे को लेकर इस बैठक में विचार हो रहा है। पिछली सरकार के अंतिम 6 माह के जो फैसले थे उनकी समीक्षा इस बैठक में चल रही है। पिछली सरकार जो रही, उस सरकार के अंतिम 6 महीने में जो फैसले लिए गए, उन फैसलों को लेकर इस समीक्षा बैठक है। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा फोन लाइन पर हैं। डॉक्टर ऋतुराज, बैठक शुरू हो चुकी है, क्या अभी और जानकारी मिली है? देखिए, इसमें जो बैठक में सबसे ज्यादा मुद्दे बताए जा रहे हैं कि वो शिक्षा के मुद्दे बताए जा रहे हैं, और शिक्षा विभाग के कुछ मुद्दे हैं ऐसे जो भर्तियों से जुड़े हुए हैं। उसमें ये देखने वाली बात सामने आ रही है कि क्या इसमें कोई निजी लाभ नहीं दिया हो, और ये क्या ये ठीक ढंग से कराई गई हो, और जो मुद्दे हैं वो वित्त से भी जुड़े हुए हैं, वित्त विभाग से। और कुछ ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं कि जो जमीन आवंटन से जुड़े हैं, क्योंकि प्रमुख सचिव टी रविकांत भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो यूडीएस से जुड़े भी मुद्दे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो करीब जो मोटे तौर पर बता रहे हैं कि 7 विभाग हैं, और 7 विभाग के अलग अलग मुद्दे हैं, और जो डीएडी सचिव हैं सुधीर शर्मा, वो इसके सदस्य सचिव हैं कैबिनेट सब कमेटी के, और कैबिनेट सब कमेटी में कि ये बैठक शुरू हो गई है। ऐसा हमारी जब पहले बात हुई थी तब ये माना जा रहा था कि 2 मीटिंगें और होंगी, जिसमें से ये मीटिंग भी शामिल है, जिसके बाद अंतिम रिपोर्ट कैबिनेट सब कमेटी दे देगी कि कौन से ऐसे निर्णय हैं जिनके बाद समीक्षा करके निर्णय लिया गया है कि वो प्रक्रिया समाप्त की जाए। तो इसमें मुख्य रूप से सामने आया कि एक तो गांधीवासी का के लिए जो पहले की जो सरकार करके गई, करीब 1000 करोड़ का वहां पर खर्चा हुआ था, तो गांधी वाटिका को लेकर कमेटी की अभी तक की जो राय सामने आई है वो कोई पॉजिटिव राय सामने नहीं आई है। तो बहुत संभावना इस बात को लेकर मानी जा रही है कि गांधी वाटिका आगे नहीं चल पाए, या किसी दूसरे रूप में उसमें सुधार हो सके। एक जो प्रेरकों वाला मसला है, जो वाचनालय खोले गए थे, प्रेरकों के प्रेरक उसमें पढ़ाते थे, प्रेरकों की उसमें वहां पर नौकरी लगी हुई थी, तो उनकी भी लेकर कोई सकारात्मक टिप्पणी अभी सामने नहीं आई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि वहां वो भी बंद किया जा सकता है। तो अब जो भी मुद्दे इस बैठक में आएंगे, ऐसा माना जा रहा है कि 1 और 2 बार फिर डिस्कस होकर अंतिम बार निर्णय ले सकेगी कैबिनेट सब कमेटी, और उसी के आधार पर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये बता रहे हैं कि इस बैठक के अलावा भी और बैठक हो सकती है? बिल्कुल, इस बैठक के अलावा एक और बैठक की संभावना है, जो कि अगले सप्ताह तक संभव है, और उसके बाद कमेटी किसी नतीजे पर पहुंच कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप सकती है। क्योंकि सब कमेटी का जो समय था वो 3 महीने का समय था, लेकिन जो बीच में आचार संहिता का समय हो गया था, तो वो हटाना पड़ेगा वो समय, करीब करीब वो 2 महीने का समय बीच में माना जा रहा था, 2 से 3 महीने का, तो जिसके बाद वो कमेटी अब रिपोर्ट हो सकती है, जो ऐसा माना जा रहा है कि करीब करीब 1 महीने की कवायद शायद इसमें और हो सकती है। बिल्कुल, तो ये मानकर चले कि जो पिछली सरकार थी, अंतिम 6 माह में जो फैसले लिए गए, अगर इस समीक्षा बैठक में वो फैसले नहीं ठीक पाए जाते हैं तो उन पर रोक लगना फिर निश्चित है। करीब करीब ये माना जा रहा है, लेकिन हमारी जब मंत्रियों से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसे भी निर्णय है, निर्णय कोई पॉलिसी डिसीजन, इस पर हम समीक्षा करके उस पॉलिसी में किस तरह से सुधार हो सके इसको लेकर भी अपनी रिपोर्ट देंगे। तो संभवतः वो पॉलिसी, संबंधित पॉलिसी नए रूप में भी सामने आ सकती है, उसके साथ वही मैं समझना चाहती हूँ डॉक्टर ऋतुराज की, ये ऐसा नहीं है कि अगर पिछली सरकार के अगर अंतिम 6 माह में कोई फैसले लिए गए उसे पूरी तरीके से उस पर रोक लगा दी जाए, अगर लगता है कि संशोधन की जरूरत है तो उसमें बदलाव करके भी उन फैसलों को जस की तस बरकरार रखा जा सकता है? जस की तस बरकरार नहीं होगा, अगर कोई संशोधन होगा
तो उसके 10% बरकरार नहीं रखा जा सकेगा। कोई संशोधन इस रूप में सामने आएगा कि नीतिगत रूप से जो उसका मूल मकसद है, जो व्यक्तिगत लाभ या संस्था को लाभ पहुंचाने की अगर कहीं कवायद मिली तो उसको हटाकर उसमें संशोधन किया जाएगा, जिससे कि एक पारदर्शिता व्यवस्था और जवाबदेही व्यवस्था सामने आ सके। ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।